इंडिया का वहां एक पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस मौजूद है। ऑल आईज ऑन नरेंद्र मोदी, योर राइज ऑफ अ न्यू पावर। आपके एक एक एनिमी को, एक दुश्मन को इनके हाथों में 30 साल से फंसे हुए हैं और फिर भी हम नहीं समझते। जबकि मुल्क के डिफॉल्ट कर जाने का खतरा कौम के सर पर मंडला रहा है। G20 के बाद हमें ये चीज हुई, हालांकि हम अगर देख रहे हैं तो बहुत अरसे से ये चीजें देख रहे हैं, हवा बहुत अरसे से चल रही। और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना जो है एक इंटरनेशनल जो है पॉलिसी है। यहाँ पे एक शायद जो G20 के जो लीडर्स हैं वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, एग्री हैं कि यार अब ऐसा है कि चाइना से ये पावर किसी और को ट्रांसफर हो। थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा इन सारी चीजों के ऊपर। जी, सबसे पहले फखर भाई शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगता है आपके आपके शो पे आके। थैंक यू सर। तो सर देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा G20 है क्या। G20 कहने को तो G20 है जैन की 20, पर अगर आप यूरोपियन यूनियन को एक कंट्री के तौर शामिल किया जाता है तो करीब करीब ये G40-50 बन जाता है जी। क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 20-30 मुल्क है अपने और 19 वैसे हो गए, तो करीब 40-50 के आसपास के मुल्क बन जाते हैं। अब फखर भाई, 55% ऑफ द वर्ल्ड GDP, 74% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 65% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ये आता G20 के अंदर। ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक अलायंस है दुनिया में और ये ट्रेडिशनली वेस्ट डोमिनेटेड रहा है, ये हमेशा से वेस्ट डोमिनेटेड रहा है। क्योंकि इसमें जो अगर आप देखेंगे अधिकतर पार्टनर जो वेस्ट के, वेस्ट में भी अमेरिका यूरोपियन डोमिनेटेड रहा है, ये हमेशा G20 रहा है। अब की बार G20 में क्या चेंज आया? G20 में पहले एक एम्बेरसमेंट थी कि आपको यार लास्ट टाइम व्लादिमीर पुतिन आए थे, किसी ने हाथ नहीं मिलाया, किसी ने बात नहीं की, बिल्कुल एक्सेप्ट मैक्रोन, किसी ने बात नहीं की, सब इधर उधर भाग रहे थे और वहीं उन्हीं के सामने रशिया की बुराइयां हो रही थी, ये हो रही थी, पुतिनिज्म बूचा, ये सब चीज़ें चल रही थी। अब की बार रशिया नहीं आए तो वो वाली सिचुएशन अवॉइड की गई पहली बार। दूसरी बात, अब की बार कोई वो रशिया बैशिंग नहीं हुई, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ पर रशियन यूक्रेनी वॉर ने एजेंडा हाईजैक नहीं किया जो सबको उम्मीद थी कि भाई सब दरकिनार हो जाएगा रशियन यूक्रेनी वॉर वाला हाईजैक एजेंडा, फिर रशिया को गाली गलौज, पुतिन बूचर और हम बहुत अच्छे, हम बहुत शरीफ, ऐसे करके समिट खिंच जाएगा। अब की बार उस चीज को समिट को डिरेल करने से रोका गया, समिट के जो इकोनॉमिक एजेंडा थे उन पर बात की गई, जिसके लिए समिट था, जो भी शेरपाज थे, जैसे हमारे यहाँ से अमिताभ कांत जी थे जो नीति आयोग के CEO रहे, वो शेरपा थे, हर कंट्री का एक शेरपा होता है जो एजेंडा को फाइनलाइज करते हैं। एजेंडा को फाइनलाइज किया गया, सारा चीज चला एज पर एजेंडा, कोई चीज एजेंडा से हटी नहीं, कोई चीज घटी नहीं, और रशिया बैशिंग नहीं हुई, रशिया का क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, और एजेंडा हाईजैक हुआ। इसी दौरान वो पोलैंड वाला मिसाइलों वाली समस्या भी आ गई, उसको भी मैनेज किया गया। और एंड जॉइंट डिक्लेरेशन अगर आप देखें तो उसमें लिखा है इट्स एरा ऑफ पीस नॉट वॉर। तो एक भारत की स्टैम्प पूरी पूरी दिखती है। अब कहते हैं कि अब दुनिया इस चीज को जिसे कहते हैं ना इसे ब्रांड लिया गया है, ये CNN कह रहा है, अमेरिकनों का इंटरेस्ट था कि रशिया वैश्विक हो, रशियन